हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से रहेंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं दो तीन बड़े अनाउंसमेंट करने वाला हूं आप। सबसे पहला अनाउंसमेंट ये है, जो लोग भी हमारे एप्लीकेशन पे एनरोल किए हैं, चाहे वो डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के लिए या फिर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, उनके लिए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का ESA 1.0 का बैच स्टार्ट हो रहा है कल से उनको शेड्यूल मिल जाएगा। चाहे वो विंडोज सर्वर के ऊपर ट्रेनिंग या फिर CCNA का क्लास, सभी शेड्यूल उनको मिल जाएगा उनके ग्रुप चैट में। मतलब कल से ये क्लास स्टार्ट हो रहा है। और डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर 2.0 DSC 2.0 बैच का भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा कल से। मतलब ये सारे दोनों बैच जो है कल से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो लोग भी अभी देख रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, तो वो एनरोल कर सकते हैं इसको, क्योंकि कल से स्टार्ट हो रहा नया बैच। ऐसे 1.0 वाले लोगों को भी बता रहा हूँ कि आप अपने कंटेंट में जाओगे तो जो भी लाइव ट्रेनिंग आपकी चलेगी, आपको लाइव ट्रेनिंग जो भी होगा, जैसे मिस हो गया, आपको आपका क्लास मिस हो गया, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। आपके पास दो टैब होंगे, एक लाइव ट्रेनिंग का टैब होगा, एक कंटेंट का टैब होगा। तो बाद में अगर आपको वीडियो देखनी है जो क्लास मिस हो गई है या रिपीट करनी है, तो आपको लाइव ट्रेनिंग वाले टैब में नहीं जाना है। उसमें तो क्लासेस चल रहे होंगे, अलग अलग क्लासेस चल रहे होंगे, तो आपको कंफ्यूजन होगा। आपके लिए मैंने एक फोल्डर बनाया है, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर 2.0 फरवरी बैच। वैसे ही सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए ESA 1.0 सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ESA 1.0 फरवरी बैच। तो वहां पे जब उस फोल्डर को आप ओपन करोगे, कहां पे रहेगा ये? कंटेंट वाले टैब में आप ये फोल्डर देखोगे। और इसको जब ओपन करोगे तो कई सारे फोल्डर आपको मिलेंगे। ये वही सारे फोल्डर्स हैं जो रिलेटेड आपके कंटेंट है, जैसे हार्डवेयर नेटवर्क प्लस का, CCNA, MCSA, Linux, VMware, जो आपके क्लासेस होने हैं, जो आपके टेक्नोलॉजी हैं, जो कोर्सेस हैं, वो सारे फोल्डर वाइज यहाँ पे मिल जाएंगे। तो जो हमारी लाइव ट्रेनिंग होती रहेगी, वहां से वो हम इसमें अपलोड करते रहेंगे डेली वाइज। तो आपको क्या करना रहेगा, आप लाइव ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं तो, नहीं अटेंड कर पा रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सीधे कॉन्टेंट में आना है और वहां पे आपको देखना है कि ये इसमें कौन सी क्लास हुई है। जो भी क्लास हुई होगी नेक्स्ट डे उसमें अपलोड हो जाएगी। आपको अपने कंटेंट फोल्डर को ही फॉलो करना है हमेशा, ठीक है? डे वाइज इसमें चलता रहेगा, क्लास इसमें आता रहेगा। तो एक तो ये हो गया, ये सभी के लिए, चाहे वो DSC 1.0 में जनवरी बैच का बना हुआ है, SA 1.0 में, या DSC 2.0 में फरवरी बैच, SA 1.0 में फरवरी बैच। तो ये तो हो गई जिनका क्लास स्टार्ट होने वाला है उनके लिए अनाउंसमेंट। इसके बाद इससे बड़ा अनाउंसमेंट मैं ये करने वाला हूँ ऐसे लोगों के लिए। मेरे पास कुछ दिनों में ऐसे ऐसे व्हाट्सएप मैसेज आए हैं, ऐसे ऐसे कमेंट्स आए हैं कि मुझे सोचने पर मजबूर होना पड़ा है कि मुझे ऐसे लोगों के लिए भी काम करना पड़ेगा जो एफर्ड नहीं कर सकते हैं। वैसे तो मैं एप्लीकेशन पे, आप लोग देख सकते हो, इतना कम चार्जेस कर रखा हूँ कि कोई भी एफर्ड कर सकता है। फिर भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं अभी जो ये भी अमाउंट एफर्ड करने में सक्षम नहीं है। ये सही है, ये ट्रू है, इसको हम नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है। मैंने ऐसे बेंगलोर में भी ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा, और जहाँ पे अलग अलग स्टेट से, झारखंड से, उड़ीसा से ऐसे लोगों को मैंने देखा, और उनके लिए मैंने किया भी। जब मैं अलग अलग कंपनी में कॉर्पोरेट ट्रेनर था, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग ले रहा होता था, उस समय हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, तब भी उनके लिए मैंने कोशिश किया था। आज तो हमारा अपना खुद का ऑर्गेनाइजेशन है, अपनी कंपनी है, तो आज तो डेफिनेटली मैं करना चाहूंगा। ऐसे कमेंट आया, ऐसे मैसेज आया कि हम ये अमाउंट नहीं अफोर्ड कर सकते, चाहे एक 1500 रुपये का अमाउंट को आप 300-300 रुपये का इंस्टॉलमेंट बना दो, 500-500 रुपये का इंस्टॉलमेंट बना दो। देखो, एप्लीकेशन में आने का मतलब है कि हमारी मजबूरी है, कुछ चीज़ें क्राइटेरिया फिक्स है जिसके उस पर हम नहीं जा सकते, ठीक है? एक तो फीस उससे ज़्यादा हम कम कर ही नहीं सकते, ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है? इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज, एप्लीकेशन का चार्ज, टीम का चार्ज, ये सभी मिला के हम कर ही नहीं सकते इससे कम में, राइट? लेकिन दूसरे तरीके से तो हम सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैंने डिसाइड किया है अपने यूट्यूब चैनल पर दो प्लेलिस्ट बनाने जा रहा हूँ, ठीक है? ये प्लेलिस्ट आपको याद रखना है ऐसे लोगों के लिए जो एप्लीकेशन पे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो हमारे YouTube पे ICNT ज्ञान चैनल पे प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे। पहला प्लेलिस्ट रहेगा डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर 2024 और एक रहेगा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर 2024। आपको इसी को फॉलो करना रहेगा। इसमें मैं जब भी हमें टाइम मिलेगा, जो डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के लिए कंटेंट होना चाहिए, चाहे वो इंटरव्यू रिलेटेड या कोर्स रिलेटेड, सभी इसमें
पार्ट वाइज हम डालना शुरू कर देंगे। ये जो हमारा योजना आज से ही शुरू हो जाएगा। तो आपको करना क्या होगा, आपको सीधा इस प्लेलिस्ट को फॉलो करना रहेगा। और मैं ये नहीं कहूंगा इसका टाइम लिमिट मैं नहीं दे पाऊंगा कि ये एक महीने में पूरा हो जाएगा, दो महीने में पूरा हो जाएगा। जब भी हमें टाइम मिलेगा मैं जरूर इसमें काम करूंगा। और ये आपको फॉलो करना है। नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। बस इसमें हम क्या नहीं कर पाएंगे, लाइव ट्रेनिंग आपका हम नहीं कंडक्ट कर पाएंगे, आपको सर्टिफिकेट नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। बाकी आप टेक्नोलॉजी एनहेंस कर सकते हो, अपना सीख सकते हो। अगर आप शिद्दत के साथ करोगे ना तो डेफिनेटली आप कर लोगे। अगर शिद्दत के साथ नहीं करोगे तो आप पैसे दे के एप्लीकेशन में भी नहीं कर पाओगे। ये जान लो, आपकी नियति सही है और मेहनत करने के लिए रेडी हो, जुनूनी हो, तो आप डेफिनेटली यूट्यूब पे ऐसे कॉन्टेंट मिल जाएंगे हमारे। मैं कोई इनकैपेबल वीडियो नहीं बनाता हूं, ना तो बनाऊंगा, ठीक है। तो आप देख कर अपने टेक्नोलॉजी को, अपने आप को एनहेंस कर पाओगे और रेडी हो जाओगे कि जॉब के लिए डेफिनेटली। तो ये अनाउंसमेंट हमें करना था इस वीडियो के माध्यम से। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि आपके लिए मैं क्यों कर रहा हूँ। अगर आपके लिए मैं कर रहा हूँ, ये मैं शुरू से करते आ रहा हूँ, ठीक है। और एप्लीकेशन तो बनाना एक मजबूरी था, क्योंकि कुछ तरह की ट्रेनिंग या कुछ सपोर्ट ऐसे थे जो यूट्यूब पे नहीं हो पा रहा, तभी मैंने एप्लीकेशन बनाया। एप्लीकेशन पे इतना कम चार्जेस मैंने लिया। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप यूट्यूब पे फॉलो करो, आपको पूरा सपोर्ट मैं करूंगा। लेकिन आपको भी उसके एवज में कुछ करना पड़ेगा, आप हमें सपोर्ट करना है। अगर आप फाइनेंशियली नहीं सपोर्ट कर पा रहे हो, अगर आप एप्लीकेशन पे नहीं कर पा रहे हो, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को प्रमोट करो, शेयर करो, ऐसे लोगों को अपनी कम्युनिटी में शेयर करो जिनको रियल में जरूरत है, ठीक है। जो ऐसे अमाउंट भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं एजुकेशन के लिए, उनको जरूरत है मेरी। तो आप ऐसे लोगों तक इस चैनल को आप शेयर करिए, पहुंचाइए, ताकि उन लोगों को भी बेनिफिट मिल सके इसका। तो बस मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग फॉलो करोगे। और जो लोग हमारे एप्लीकेशन में हैं, जो भी SC 1.0 और DSC 2.0, आप लोग पेशेंस के साथ अपने कंटेंट को फॉलो करना है और आगे बढ़ना है, कंसिस्टेंट रहना है ट्रेनिंग में। जो लाइव ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं कंसिस्टेंट रहना है। दूसरा चीज मैं बता रहा हूँ, अगर लाइव ट्रेनिंग में आ रहे हो तो आप कॉन्फिडेंट होके आओ, क्योंकि ये फास्ट ट्रैक क्लास होने वाला है। जब स्टार्ट होगा तो नॉन स्टॉप रहेगा, कंटिन्यू क्लासेस होंगी। और नेक्स्ट वीकेंड अनवर्ड्स हम क्या Q&A सेशन भी चलाने जा रहे हैं, जिसमें हम मर्ज करके चलाएंगे सबको। एक बैच डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के लिए, एक बैच सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। तो आप रेडी रहो फाइट के लिए, एक दो महीने के लिए अपने आप को फ्री कर लो, ताकि कुछ सीख सको आप। अगर आप कंसिस्टेंटली नहीं कर पा रहे हो, कंसिस्टेंट नहीं बन पा रहे हो, तो फिर फायदा क्या हुआ एक रिकॉर्डेड सेशन और लाइव ट्रेनिंग में। दूसरा चीज है, आप लाइव ट्रेनिंग में जब आप अटेंड करते हो साइलेंट हो जाते हो। साइलेंट नहीं रहता, एनर्जी के साथ आप रहना है, क्वेश्चन करना है। और क्वेश्चन के लिए आप पढ़ोगे तो क्वेश्चन आपसे जनरेट होगा, बहुत सारे डाउट्स आएंगे, डाउट्स पूछोगे तो आपको ज्यादा आइडिया आएगा, आपके साथ और लोगों को भी आइडिया आ जाएगा। ज्यादातर ट्रेनिंग में, हमारी लाइव ट्रेनिंग में क्या होता है, नंबर्स की कमी होती है, क्योंकि ज़्यादातर प्रोफेशनल लोग हैं, उनके अलग अलग शिफ्ट में काम रहता है, ज़्यादातर वर्किंग है। तो लाइव ट्रेनिंग में बहुत कम 10% 20% ही लोग जोड़ पाते हैं, तो बाद में वो देखते हैं। लेकिन जितने लोग जोड़ते हैं, वो लोग अगर क्वेश्चन करोगे, आप डिस्कशन करोगे, तो कल को जब वो देख रहे होंगे वीडियो, जो लोग रिकॉर्डेड देखते हैं, मतलब नेक्स्ट डे देख रहे होंगे कंटेंट में, तो उनको मालूम चला कि हाँ लाइव ट्रेनिंग चल रहा है। आप लोग साइलेंटली, जब हम आपसे हैंड रेस करने के लिए बोलते हैं कि क्वेश्चन करो, आप साइलेंट हो जाते हो। और दूसरा चीज है, जो लोग भी लाइव ट्रेनिंग अटेंड करने जा रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है, अच्छा एक माइक ले लो, थोड़ा सा और पैसे एक्सपेंस कर लो, एक अच्छा माइक लेके बैठो, नहीं तो डिस्टरबेंस होती है, आपका साउंड इको होता है, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम आती है। और दूसरा चीज है, आप तभी हैंड रेस करो लाइव ट्रेनिंग में जब आप अकेले रहो। पता चला आप फैमिली के साथ बैठे हो और बच्चे हैं, उनका साउंड आ रहा है, तो ये डिस्टरबेंस होता है बहुत ज्यादा, ये इम्पैक्ट सभी के ऊपर होता है, ठीक है। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस चीज को आप ध्यान में रखना और आगे बढ़ना है। तो बस इस वीडियो के माध्यम से यही कुछ हमें इन्फॉर्मेशन देना था। आई होप आप सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।